एक ऐसा स्वयंवर जिसके बारे में कोई टीवी सीरियल या कोई फेक यूट्यूबर नहीं बताता। एक ऐसा स्वयंवर जहां एक साथ सैकड़ों महारथी राजा एक अकेले योद्धा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। एक ऐसा स्वयंवर जहां रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल और शल्य जैसे महाबली और महापराक्रमी राजा भी एक अकेले योद्धा के सामने कुछ कच्चे नजर आ रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलिंग स्वयंवर की, जहाँ कर्ण ने दिखाया कि वो महाभारत के सबसे महान योद्धा क्यों हैं, जहाँ उन्होंने अकेले ही सैकड़ों महारथी राजाओं को अपने आगे घुटने टेकने पर विवश कर दिया। पर उस स्वयंवर में ऐसा क्या हुआ था कि इतना सब कुछ हो गया, क्यों ये सभी कर्ण के ऊपर टूट पड़े थे? तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य पुत्र कर्ण के इस अनोखी शौर्य गाथा के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलो यार, महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। हाँ, तो इसका उल्लेख हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जब कर्ण अपनी शिक्षा पूरी करके रंगभूमि में अपने कौशल से सबको चकित कर दुर्योधन की मित्रता पाकर सभी आराम से रहने लगते हैं। तब कुछ समय बाद कलिंग राज चित्रांगद ने अपनी पुत्री के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में दुनिया भर के सैकड़ों महारथी राजा चित्रांगद की पुत्री से विवाह करने की इच्छा से भाग लेने के लिए आए। उनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं से आए हुए राजा और योद्धा शामिल थे, जिनमें शिशुपाल, जरासंध, वक्र, भीष्मक, नील, अशोक, रुक्मी, शद्धव इत्यादि जैसे महापराक्रमी राजा भी थे। ये सभी मद में चूर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थे। इधर जब दुर्योधन को स्वयंवर की खबर मिली तो वो कर्ण को अपने साथ लेकर सोने के रथ पर चढ़कर स्वयंवर में पहुंच गया। वहां जब दुर्योधन और बाकी सभी राजा अपने अपने आसन पर बैठ गए तो कलिंगराज चित्रांगद की पुत्री, जो कि अपने दासियों और सेविकाओं से घिरी हुई थी, अपने हाथों में वरमाला लेकर स्वयंवर में पहुंची। वहां वो एक एक करके सभी के पास जाती और उन्हें रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाती। ऐसा ही जब उसने दुर्योधन के साथ किया, मतलब कि जब उसने दुर्योधन को रिजेक्ट किया, तब इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझ लिया, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सभी राजाओं को इग्नोर करते हुए राजकुमारी को रोक कर उसे जबरन अपने रथ पर बिठा लिया और वहां उपस्थित सबको चैलेंज कर दिया। अब स्वयंवर में जरासंध, रुक्मी, शिशुपाल जैसे सैकड़ों महारथी राजाओं के होते हुए अगर कोई स्वयंवर की कन्या को उठाकर उन्हें चैलेंज करेगा तो घमासान तो मचना ही था। पर दुर्योधन ने इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उसके साथ उसका परम मित्र खड़ा था। दुर्योधन का चैलेंज सुनकर सभी राजाओं ने उस पर धावा बोल दिया, पर कर्ण उनके और दुर्योधन के बीच में एक दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों में तलवार लेकर, जी हाँ, सिर्फ तलवार लेकर 20 से भी ज्यादा महारथियों को पराजित किया। मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने के साथ साथ किस लेवल के तलवारबाज भी थे, जिन्होंने सिर्फ तलवार से 20 प्लस महारथियों को परास्त किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बाकी सभी राजा अपने अपने रथ पर चढ़कर कर्ण और दुर्योधन पर हमला करते हैं, पर अपने तीखे बाणों से कर्ण ने सबके धनुष तोड़कर भूमि पे गिरा दिए। ये देखकर फिर से उनमें कुछ धनुष लेकर, कुछ बाणों द्वारा, कुछ भाले और कुछ गदा लेकर हमला करते हैं, पर महारथी कर्ण ने सबको अपने पराक्रम की छाया में ढक लिया और सभी के सारथियों को मारकर उन्हें हरा दिया। ध्यान रहे, वहाँ शिशुपाल, अशोक, भीष्मक, रुक्मी, जरासंध जैसे सैकड़ों राजा थे, पर ये सभी युद्ध में कर्ण के आगे बच्चे से नजर आए। वेल, आगे देखते हैं। सभी पराजित होकर युद्ध बंद कर देते हैं और उन्हें चले जाने को कहते हैं। फिर कर्ण के द्वारा पराजित हुए राजाओं के बीच से उसी की सुरक्षा में दुर्योधन खुशी खुशी चित्रांगद की पुत्री को लेकर नगर को लौट जाता है। तो यही थी कलिंग स्वयंवर के दौरान हुए उस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी, जहाँ पूरी दुनिया ने कर्ण के अतुलित शौर्य को प्रणाम किया, जहाँ जरासंध जैसे राजाओं का अभिमान भी चकनाचूर हो गया। पर अफसोस कि इसके बारे में बहुत कम ही टीवी सीरियल्स वाले दिखाते हैं। उन्हें पांडवों को ग्लोरीफाई करने से फुर्सत मिले तब तो वो दिखाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। खैर, यहाँ पर भी कुछ लोग ये कहकर रोएंगे कि यहाँ पर दुर्योधन के साथ साथ कर्ण के अलावे भीष्म और द्रोण भी थे, तो उनके लिए बस इतना कहूंगा कि नो मैटर वहाँ पर उसके साथ साथ कौन थे, बट द पॉइंट इज दैट कि उन सब के साथ कौन लड़ रहा था, और वो थे सूर्य पुत्र महाबाहु महारथी वैकर्तन कर्ण। भीष्म और द्रोण ने वहाँ पर कुछ नहीं किया। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। कुछ दिनों से काफी बिजी था इसलिए वीडियो आने में देर हो गई, पर अब से रेगुलर आएगी। हर हर महादेव। शिव शिव।